दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेज़र से एल्युमिनियम को किस तरह से वेल्ड किया जाता है। एल्युमिनियम को वेल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि एक तो एल्युमिनियम का खुद का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन एल्युमिनियम पे हमेशा एक ऑक्साइड की लेयर होती है जो उसको वेल्ड नहीं होने देती है। दूसरा, जैसे अगर नमी है या ह्यूमिडिटी हाई है तो वो भी एल्युमिनियम की वेल्डिंग में डिस्टरबेंस पैदा करती है, क्योंकि जो नमी की हाइड्रोजन है वो एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेती है, जिससे जो वेल्डिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तीसरा कारण है कि एल्युमिनियम में हीट ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होता है, इसकी वजह से जो वर्क पीस है वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है और हीट जहाँ पर लगनी चाहिए वहाँ पर नहीं लग पाती है। तो इन्हीं सब समस्याओं का हल है लेज़र वेल्डिंग। लेज़र वेल्डिंग बिल्कुल सटीक एरिया को हीट करती है जहाँ पर मेरे को हीट चाहिए होती है, इसी वजह से लेज़र वेल्डिंग से एल्युमिनियम पे बहुत अच्छी वेल्डिंग होती है। तो इस वीडियो में हम आपको अलग अलग एल्युमिनियम के आइटम पे लेज़र वेल्डिंग करके दिखाएंगे और क्यों लेज़र वेल्डिंग एल्युमिनियम के लिए बहुत अच्छी प्रोसेस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डेमो देने के लिए हम आप 1 किलोवाट की लेज़र वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अब 1 किलोवाट की लेज़र वेल्डिंग आनी बंद हो गई है। लेज़र वेल्डिंग जो हैंडहेल्ड लेज़र वेल्डिंग मशीन स्टार्ट होती है वो 1.5 किलोवाट पावर से स्टार्ट होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक डेमो पीस पड़ा है 1 किलोवाट का, तो हम इसी से आपको वेल्डिंग करके दिखाएंगे। अब वेल्डिंग को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेल्डिंग विद वायर फीडर, मतलब कि हम वायर के साथ वेल्डिंग कर रहे हैं। दूसरी फ्यूजन वेल्डिंग जो हम आमतौर पर बोलते हैं, जब हम मटेरियल को बिल्कुल पास ला के वेल्ड करते हैं, जब जहाँ पर वायर फीडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है उसको फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। तो जो मेरी लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस होती है वो फ्यूजर वेल्डिंग और विद वायर फिलर दोनों में ही काम की होती है। तो हम दोनों ही प्रोसेस इस वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों हम एल्युमिनियम के अलग अलग तरह के पार्ट्स पे वेल्ड करेंगे। हम आपको बट वेल्ड करके दिखाएंगे और हम आपको एल्युमिनियम के प्रोफाइल पे भी वेल्ड करके दिखाएंगे। हम फ्यूजन वेल्डिंग भी करके दिखाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया, बिना वायर फिलर के भी वेल्डिंग करके दिखाएंगे और हम आपको विद वायर फिलर भी वेल्डिंग करके दिखाएंगे। तो वेल्डिंग करने से पहले मैं लेज़र की थोड़ी सी एडवांटेज बता देता हूँ कि क्या फ़ायदे हैं एल्युमिनियम पे लेज़र से वेल्ड करने के। तो जो लेज़र होती है, हम जो लेज़र यूज़ कर रहे हैं वो एक इंफ्रारेड लेज़र है जिसको फाइबर लेज़र बोलते हैं, और जो फाइबर लेज़र से इंफ्रारेड लेज़र निकलती है वो एल्युमिनियम के अंदर तक चली जाती है, मतलब पेनेट्रेट करती है। जो वेल्डिंग के दूसरे प्रोसेस हम एल्युमिनियम के लिए यूज़ करते हैं वो एल्युमिनियम के अंदर कोई डीप पेनेट्रेशन नहीं करते हैं, और वो जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो सतह पे होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी टिक से एल्युमिनियम की वेल्डिंग होती है, आप हमें बहुत मोटा फिलर वायर के साथ उसको बहुत मोटा वेल्ड करना पड़ता है। हालांकि लेज़र के साथ क्योंकि ये पेनेट्रेट कर रही है, एल्युमिनियम के अंदर घुस जाती है, तो फ्यूजन वेल्डिंग भी सक्सेसफुल है और जो फिलर वायर के साथ वेल्डिंग होगी वो भी बहुत ही पतली होगी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं और वेल्डिंग के साथ साथ हम आपको इस प्रोसेस के बारे में भी कुछ कुछ समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह का जॉइंट करेंगे जिसको आमतौर पर बट जॉइंट कहा जाता है। तो ये किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस को चेक करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। अगर आपको किसी वेल्डर का भी टेस्ट लेना हो तो उससे आप बट जॉइंट करवा के देखिएगा, क्योंकि ये वेल्डिंग देखने में तो आसान होती है, हालांकि उतनी आसान ये होती नहीं है। तो एक साइड हम इसको फ्यूजन से वेल्ड करेंगे और दूसरी साइड आपको इसको वायर से वेल्ड करके दिखाएंगे, ताकि एक ही पीस में आप दोनों प्रोसेस को देख सकें। तो दोस्तों वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सेफ्टी का भी बता देते हैं। सेफ्टी के लिए मैं ये आई वेयर यूज़ करूँगा, जो कि जो इस लेज़र की जो इंफ्रारेड लेज़र है वो इसको इसमें घुसने नहीं देगा। साथ में जब हम एल्युमिनियम को वेल्ड करते हैं तो यूवी लाइट भी पैदा होती है, तो ये वाला जो आई वेयर है ये यूवी लाइट को भी पेनेट्रेट नहीं करने देता है, मतलब मेरी आँख को लेज़र से भी बचाएगा और वेल्डिंग की जो रोशनी है यूवी है उससे भी बचाएगा। दोस्तों वेल्डिंग करते हुए मेरे को ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ही रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। ये जो इंफ्रारेड लेज़र है इसको रिफ्लेक्ट करता है, तो लेज़र रिफ्लेक्ट होकर मेरे हाथ पे भी लग सकती है, उससे बचाव के लिए मेरे को ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है। जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी है वो ये है कि जब मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ तो ऐसी जगह कोई नहीं होना चाहिए जहाँ पे लेज़र रिफ्लेक्ट करके लग सके। तो मेरे को ये प्रोसेस अगर अच्छा होगा कि मैं सामने कुछ हो और तब ये वाली प्रोसेस चालू करूँ। हालाँकि हम वीडियो के लिए हम सामने से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप इस प्रोसेस को अच्छे से देख सकें। हम अपना कैमरा भी थोड़ा साइड में ले आएंगे ताकि लेज़र रिफ्लेक्ट होके कैमरे पे ना लगे। दोस्तों वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लेज़र वेल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं या सीएनसी मशीन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को
जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बट ज्वाइंट आपको लगा के दिखा रहे हैं और ये जो प्रोसेस हो रही है ये विद वायर हो रही है। और जब लेज़र वेल्डिंग करते हैं इसका एक प्लस पॉइंट भी बता देता हूँ कि वायर अपने आप गन को हल्का सा धक्का मारती है जो वेल्डर अपने हाथ पे फील कर सकता है। तो आपको वेल्डिंग स्पीड डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, वायर आपको खुद ही धक्का मार के पीछे ले जाती है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ज्वाइंट हुआ है। अब हम सेम प्रोसेस विदाउट वायर भी करके दिखाएंगे, यानी फ्यूजन वेल्डिंग भी करके दिखाएंगे। तो दूसरी साइड हम विदाउट वायर वेल्ड कर रहे हैं ताकि आप इसका जो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है वो भी देख सकें। फ्यूजन वेल्डिंग बहुत ही स्लो होगी और मटेरियल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप होगा तो वेल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से जो फ्यूजन वेल्डिंग है तभी काम की है जब आपका बहुत टाइट फिट हो। आप देख सकते हैं फ्यूजन वेल्डिंग भी बहुत अच्छी आई है। अब हम इस पीस को मोड़ के आपको दिखाते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ध्यान रखिएगा आप दूसरी वेल्डिंग प्रोसेस की तरह उतना ज़्यादा तो हीट नहीं होता है, लेकिन इस प्रोसेस में भी जो मेरा वर्क पीस है वो हीट होता है। तो हम आपको स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं। जो दूसरी वेल्डिंग प्रोसेस होती है उसमें आप वेल्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं थोड़ा ज़ोर लगा के, लेकिन अगर हम एल्युमिनियम के साथ वेल्ड करें, थोड़ी इसके साथ छेड़खानी करें, तो मेरा वेल्ड इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ये वेल्ड निकलेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं वेल्ड को कुछ भी नहीं हुआ, एल्युमिनियम एक डक्टाइल मटेरियल है और इतना स्ट्रेस लगने के बाद ये वेल्ड ख़राब हो जाना चाहिए था, जो कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम इसको आपको दूसरी साइड से भी मोड़ के दिखाते हैं। हम इसको फ्लैट कर देंगे और फिर दूसरी साइड से मोड़ेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग को कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरे एंगल पे मोड़ रहे हैं ताकि दोनों तरफ से वेल्डिंग की स्ट्रेंथ चेक हो सके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये वेल्ड ऐसा ही हो गया जैसे कि ओरिजिनल मटेरियल था, और एक तरफ से फ्यूजन से वेल्ड हुआ है और दूसरी तरफ से विद वायर फिलर वेल्ड हुआ है। और आप देख सकते हैं जो फ्यूजन की पेनिट्रेशन है वो भी अच्छी खासी डीप है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर जोड़ लग रहा है। ये अगर पेनिट्रेशन ना होती, अगर टिक की तरह होता, तो इतना सुंदर जोड़ ये हमें दिखाई नहीं देता। तो अब हम आपको कुछ और वेल्ड लगा के दिखाएंगे जो कि एल्युमिनियम प्रोफाइल पे होगा। ये प्रोफाइल के कुछ सेक्शन हैं और इस पे भी हम आपको इस प्रोसेस से वेल्ड लगा के दिखाते हैं, और इसकी भी हम आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ टेस्टिंग कराएंगे। एल्युमिनियम प्रोफाइल पे अगर आप एल्युमिनियम प्रोफाइल से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस तरह की वेल्डिंग की आपको ज़रूरत हो सकती है, मतलब ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये वाला वेल्ड भी आप आखिर तक देखिएगा कैसा होता है, और ये प्रोसेस देखने में इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है और लगता है कि बहुत आसान है। और वाकई में अगर आप एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए दूसरी प्रोसेस से कंपेयर करेंगे तो ये प्रोसेस वाकई में बहुत आसान है। तो दोस्तों क्योंकि हम एल्युमिनियम प्रोफाइल पे वेल्ड कर रहे हैं और जहाँ पे हम वेल्ड कर रहे हैं थिकनेस ज़्यादा है, तो हम इसमें वायर फीडर का यूज़ कर रहे हैं, और हमारी गन हमें हाथ में महसूस हो रही है कि पीछे थोड़ा सा धक्का मार रही है। तो आप चाल को आसानी से पकड़ पाएंगे, और ना आप फास्ट चलाएंगे ना आप स्लो चलाएंगे अगर आप वायर को फॉलो करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अगर आप एल्युमिनियम को वेल्ड कर रहे हैं तो पीस पे किसी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, या आपके हाथ में कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पीस को ख़राब कर देंगे। क्योंकि जो पानी की हाइड्रोजन है वो एल्युमिनियम के अंदर घुस के बॉन्ड बना लेती है और मेरी वेल्ड को वीक कर देती है। तो दोस्तों हमारे प्रोफाइल पर भी वेल्डिंग सही से हो गई है और देखने में काफ़ी मजबूत लग रही है। हालांकि हम इसको मोड़ के नहीं दिखा सकते क्योंकि ये प्रोफाइल है, ये कहीं और से टूट जाएगा, लेकिन हम दूसरे एंगल पे इसको ज़रूर मोड़ देंगे। तो हम इसको ऐसे एंगल पे मोड़ रहे हैं ताकि जो मेरी प्रोफाइल है वो टूटे ना, कहीं और से ना टूटे, ताकि आप वेल्ड की स्ट्रेंथ भी देख सकें और मेरा पीस भी ख़राब ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक नंबर की वेल्डिंग हुई है। अगर हम इस वेल्डिंग को किसी और प्रोसेस से करते और ऐसे मोड़ देते तो कहीं ना कहीं क्रैक आ जाते, और जो ये वेल्डिंग दिख रही है इससे बहुत ज़्यादा मोटी वेल्डिंग मेरे को इस दूसरी किसी प्रोसेस से करनी पड़ती और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता। तो इस प्रोसेस में मेरा आधा टाइम भी बचा, वेल्डिंग भी मजबूत हुई, फिलर वायर भी कम लगा, मतलब मेरी बचत भी हुई और प्रोसेस फास्ट भी हुई, और वेल्ड देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो दोस्तों, जो लोग कुछ ये वीडियो देख रहे हैं उनकी हो सकता है अभी भी तसल्ली ना हुई हो, तो सब लोगों की तसल्ली के लिए हम एक वेल्ड और आपको लगा के दिखाते हैं। हमने ये पीस को कर्व कर लिया है और इस पीस पे हम इस तरह से इसको वेल्ड करके दिखाएंगे ताकि आप सही में देख सकें कि स्ट्रेंथ भी सही आई है और वेल्डिंग भी बहुत बढ़िया हुई है। इस वाली वेल्डिंग में कर्व पे भी टेस्ट हो जाएगी मशीन और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छे से टेस्ट हो जाएगी। तो ये वाला लास्ट वेल्ड हम आपको लगा के दिखाते हैं और उसके बाद आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम की है, कि आपके काम की नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये प्रोसेस प्रोडक्शन में बहुत काम की प्रोसेस है। जो लेज़र वेल्डिंग है वो अगर आप कोई एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही काम की प्रोसेस है। तो आइए ये लास्ट वेल्ड आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद हम इसकी कुछ डाउन साइड भी आपको बताएंगे ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें कि आपकी जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए काम की है या नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम इस मटेरियल को टक कर रहे हैं ताकि ये पीस, वर्क पीस हिले ना, क्योंकि ये गोल है, हमें हाथ से पकड़ के इसको घुमाना पड़ेगा, इसलिए हम छोटे छोटे इस पर टांके लगा रहे हैं ताकि वेल्डिंग सफाई से हो। और हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि हम वीडियो की साइड से क्यों बना रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो हम सामने आ जाते हैं, लेकिन जब हम वेल्ड करते हैं तो साइड में चले जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लेज़र ना रिफ्लेक्ट हो सकती है और हमारे कैमरे को डैमेज कर सकती है, इसी वजह से जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वीडियो हम साइड से बनाते हैं ताकि रिफ्लेक्टेड लेज़र का चांस ना रहे और हमारा पीस बच जाए। आप देख सकते हैं वेल्डिंग कितनी सफाई से हो रही है, कितनी सुंदर लग रही है, और इसकी स्ट्रेंथ भी हम आपको थोड़ा टेस्ट करके दिखाएंगे। और दोस्तों, ख़ास बात यह है कि मेरा हाथ अपने आप पीछे जा रहा है, मेरे को ये नहीं सोचना पड़ रहा कि तेज़ करूं या स्लो करूं, अपने आप वेल्ड हो रहा है। दोस्तों, ये वाली वेल्डिंग देख के तो मेरे को मज़ा आ गया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वेल्डिंग हुई है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी वेल्डिंग होगी। और हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों देखो, इतना ज़ोर लगाने से तो इस पर कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हथौड़ा भी ट्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस हथौड़े से तो इसका कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर दूसरी कोई प्रोसेस होती और इतना ही थिन वेल्ड होता तो वेल्डिंग इतने ज़ोर लगाने से अब तक टूट जाती। ये वेल्डिंग वैसे ही हो गई है, उतनी मजबूत हो गई है कि ओरिजिनल पीस ही है, इस तरह से बना हो, किसी सांचे में से निकाला हो, उतनी मजबूत ये वेल्डिंग देखने में लग रही है। तो दोस्तों, अगला वेल्ड करने से पहले थोड़ा सा हम इस मशीन के बारे में भी बता देते हैं। जो लेज़र वेल्डिंग मशीन होती है, सारी जो हैंडल लेज़र वेल्डिंग मशीन होती है वो 4-in-1 होती है, मतलब आप इससे वेल्ड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। मैं इससे एल्युमिनियम को भी कट कर सकता हूँ, आप जो सीम होती है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो वो एल्युमिनियम में तो काम की नहीं है, वो स्टेनलेस स्टील में वाली प्रोसेस बहुत काम की है, और इससे आप लेज़र क्लीनिंग भी कर सकते हैं, जैसे MS पे रस्ट रिमूवल वाला प्रोसेस भी इस मशीन से कर सकते हैं। तो आपको जो लेज़र वेल्डिंग मशीन बेचने वाले बोलते हैं कि हमारी तो 4-in-1 है, तो आप ये जानिएगा कि सारी मशीन 4-in-1 होती है। जो ये वाली फ़ीचर आपको कोई बता रहा है तो वो कोई एडिशनल फ़ीचर नहीं है, वो सब मशीनों में होती है। दोस्तों, अब हमने आपको बहुत सारी एडवांटेजेस बता दी, अब थोड़ी सी डाउन साइड भी आपको लेज़र वेल्डिंग की समझ लेनी चाहिए। लेज़र वेल्डिंग जब काम की नहीं है, जब आपके पीस में गैप बहुत ज़्यादा हो, आप ये मानिए जैसे हम 0.8 mm थिकनेस की वायर फिलर यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपके पीस का गैप है वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्रोसेस उतने काम की नहीं है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और जो नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस है उसी के बराबर हो जाती है। दूसरा, ये लेज़र वेल्डिंग मशीन दूसरी वेल्डिंग प्रोसेस से कॉस्टली पड़ती है, हालांकि इससे स्पीड तेज आती है तो कॉस्ट आपको दुखेगी नहीं अगर आपके पास प्रोडक्शन ठीक ठाक है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, लेज़र की अलग अलग मशीनरी में इंटरेस्टेड है, CNC मशीन में इंटरेस्टेड हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पे इसी तरह के प्रोडक्ट की जानकारी आपको देते रहेंगे। और अगर आप लेज़र वेल्डिंग मशीन में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके अपना जो कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमने अपना नंबर ऊपर लगाया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपना कोई सवाल या इस मशीन के प्राइस के बारे में कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं।